गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजवन सिंह मोहाली, रियल स्टेट मेंटर, रियल स्टेट बुक्स का ऑथर एंड मोटिवेशन स्पीकर। आज का टॉपिक फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर है। फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर क्यों है? क्योंकि बहुत बंदों का, बहुत हमारे में से बहुत जनों का एक टारगेट रहता है कि हमने पैसा कमाना है, और पैसा कमा भी लेते हैं। आगे जाके जो पंगे पड़ते हैं उसके बारे में मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। हायर इनकम डज नॉट मेक यू रिच, कि यदि आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा है और यदि आप वैसे ओवरऑल पैसा बहुत ज़्यादा कमा रहे हो, लोगों से ज़्यादा कमा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अमीर हो। यदि आप सपोज 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, 3 लाख रुपए महीना कमा रहे हो और उतना ही आपने खर्चा पाल लिया, तो आप अमीर नहीं। क्योंकि जब तक पैसा कमाते रहोगे तब तक पैसे को कंज्यूम भी करते रहोगे, पैसा खत्म होता रहेगा। असली अमीर कौन है? जो अपनी आमदन से कम में खर्चे में बात करता है, कम खर्चे में गुजारा करता है और कम खर्चे में काम चला के अपने लिए कुछ पैसे अलग तरीके से रखता है, जिनको वो इन्वेस्टमेंट में लगाता है। और जब इन्वेस्टमेंट में लगाता है तो फिर वो दो हो जाते हैं काम करने वाले। एक तो वो जो सैलरी उसको मिल रही है, बंदा अपने लिए पैसे के लिए काम कर रहा है, दूसरा जो उसका बचा हुआ पैसा है वो उसके लिए काम करना शुरू कर देता है। सो यदि हम इस तरीके से काम करें कि हम खुद भी काम करें और हमारा पैसा भी काम करें, तो ये हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जाता है। हायर इनकम डज नॉट मेक यू रिच का मतलब यही है कि कई लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाया, जिनमें फिल्म स्टार हो सकते हैं, बहुत उच्च चोटी के खिलाड़ी हो सकते हैं, कोई कॉमेडियन हो सकते हैं, कोई पंजाबी सिंगर हो सकते हैं, मैंने पंजाबी सिंगर, हिंदी सिंगर भी हो सकते हैं, और हिंदी सिंगर में मैंने एक बुजुर्ग जोड़ा देखा है जो कि अपने जवानी में बहुत अच्छी फिल्मों में डायरेक्ट किया है। अभी वो कहीं हारमोनियम बजा लेके दोनों भीख मांग रहे हैं गलियों में लोग। तो वो पैसा उन्होंने बहुत कमाया लेकिन वो रिच नहीं बन सके। रिच कौन बनता है? जो पैसे को संभाल लेता है, M3 फार्मूला लगा लेता है। M3 का पहला तो मनी मेकिंग है ना। मनी मेक तो कर लिया जो बंदा वो हारमोनियम बजा रहा है, उसने अपने जवानी में पता नहीं कितना पैसा कमाया होगा। AK हंगल साहब ने पता नहीं कितना पैसा कमाया होगा, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के सतीश कौल ने पता नहीं कितना पैसा कमाया होगा। तो वो पैसा जरूरी नहीं, वो पैसा तब तक जाके काम करेगा जब आप लोग उस पैसे को मैनेज करोगे और उसको मल्टीप्लाई करोगे। जिस आदमी ने अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने का स्किल सीख लिया, ये गुण सीख लिया, ये मतलब एक तरह का तरीका सीख लिया, तो यह समझो कि वो आदमी परमानेंट अमीर होता चला जाएगा। हमने पैसा कमाने के ऊपर ध्यान देना, 100% देना है, सुस्त होकर नहीं बैठना। पैसा तो कमाना है, पैसा तो हमें हमारी ज़रूरत है, पैसा तो हमें चाहिए। लेकिन पैसा कमाने का मतलब ये नहीं है कि पैसा तो हमारे पास आ गया लेकिन बाद में हम उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाए। पैसा हमारी औलाद के बराबर है, बच्चों के बराबर है। यदि किसी की औलाद बिगड़ जाए, गलत निकल जाए, तो उस बंदे को डुबा देती है। यदि इसी तरीके से आपका पैसा कहीं गलत जगह पर लग जाए, अच्छे जगह पर ना लगे, पैसे से पैसा आप उसमें ना बना पाओ, तो वो पैसा ख़त्म हो जाता है। सो दोस्तों, इसलिए मैंने आज का ये टॉपिक चुना था आपके लिए कि जो आदमी पैसे ज़्यादा कमा रहे हैं और मेरी तरह टाई लगा के लोगों को दिखाते हैं कि हम बहुत बड़ी तोप हैं, वो तोप नहीं हो सकते। तोप बंदा वो बनेगा जो अपने पैसे को M3 के फार्मूले पे लेके जाएगा, मनी मेकिंग, मनी मल्टीप्लाई, मनी मैनेजिंग एंड मनी मल्टीप्लाइंग। यदि ये चीज़ें हमें आ जाएंगी तो डेफिनेटली हमारी ग्रोथ होगी। आज के लिए इतना ही। ये बहुत छोटी वीडियो है, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो का टॉपिक आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और इसके ऊपर चर्चा भी करना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा देना। कोई और सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आप किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने होऊंगा। तब तक आप सीखते जाएँ और पढ़ते जाएँ और आगे बढ़ते जाएँ, ऊपर की तरफ बढ़ते जाएं। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द आपके सामने।